हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजकुमार मीना, MBBS स्टूडेंट, एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द लिगामेंट्स ऑफ यूटेरस। यूटेरस के लिगामेंट्स के बारे में बात करें तो अपने यूटेरस के अंदर दो टाइप के लिगामेंट्स होते हैं। एक होता है अपने पेरिटोनियल लिगामेंट्स जो अपने पेरिटोनियम के फोल्ड्स होते हैं। दूसरे होते हैं अपने फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स। ये फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स क्या होते हैं कि ट्रूली सपोर्ट करते हैं अपने यूटेरस को, और ये यूटेरस के बीच से जुड़े होते हैं। कोई आगे की तरफ एंटीरियर से कनेक्ट करता है, कोई पोस्टीरियर से, कोई ऊपर से, कोई दोनों सर्विक्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इस टाइप से अपने फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स होते हैं। पेरिटोनियल लिगामेंट्स के अंदर बात करें तो इसके अंदर तीन टाइप के लिगामेंट्स होते हैं। एक होता है अपना वेसाइको यूटेराइन पाउच। वेसाइको मीन्स यूरिनरी ब्लेडर, जो अपने यूरिनरी ब्लेडर और यूटेरस के बीच में होता है। देखो इस टाइप में ये है अपना पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी सबसे आगे की तरफ होना प्यूबिक सिम्फाइसिस, फिर अपना यूरिनरी ब्लेडर, फिर यूटेरस, फिर रेक्टम। ठीक है, रेक्टम के पीछे अपना क्या सैक्रम वर्टिब्रा। ये ऊपर की तरफ जो ग्रीन कलर वाला है ये है अपना क्या पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के फोल्ड्स है। अब एक अपने यूरिनरी ब्लेडर और यूटेरस के बीच में, जिसे बोल रहे हैं अपन वेसाइको यूटेराइन पाउच। ठीक है, एक अपना यूरिनरी ब्लेडर और यूटेरस और रेक्टम के बीच में, जिसे बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। इस टाइप से ये दो लिगामेंट्स हैं। ठीक है, वेसाइको यूटेराइन पाउच एंड रेक्टो यूटेराइन पाउच। फिर एक अपना ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस क्या होता है कि जैसे सपोज ये अपनी फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब के ऊपर की तरफ अपने जो उसकी पेरिटोनियम की कवरिंग्स होती है, तो वो क्या करती है आगे की तरफ एंटीरियर लेयर बनाएगी, पीछे की तरफ पोस्टीरियर लेयर बनाएगी। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये समझाता है। ये है अपना यूटेरस। ठीक है, यूटेरस में ऊपर की तरफ ये फंडस, बॉडी, सर्विक्स, ये अपने क्या है फेलोपियन ट्यूब्स है। अब फेलोपियन इस टाइप से अपना यूटेरस है, इसके ऊपर आती है अभी पेरिटोनियम की कवरिंग। जैसे ये है सपोज अपनी पेरिटोनियम की कवरिंग। ठीक, ये पेरिटोनियम कवरिंग हो गई ना, ये इसके आगे की तरफ भी होती है, इसके पीछे की तरफ भी होती है। तो आगे की वाली एंटीरियर लेयर और पीछे वाली पोस्टीरियर लेयर। तो इस टाइप का होता है अपना ब्रॉड लिगामेंट्स, जो अपने कहां से कहां तक होता है, ये अपने यूटेरस है। ठीक है, यूटेरस से लेके और साइड में क्या होती है पेल्विक वॉल होती है, नीचे की तरफ अपनी पेल्विक वॉल होती है। तो यूटेरस से लेके और पेल्विक वॉल तक ये एक्सटेंड करती है इस टाइप में। ये आगे की तरफ ये और होगी एंटीरियर वॉल, पीछे की तरफ ये अपनी पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, ये इस टाइप का होता है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस को अपन इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। फिर अपना फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स। फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स इसे ट्रूली सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर एक यूटेरोसैक्रल लिगामेंट जो अपने यूटेरस को सैक्रम वर्टिब्रा है ना उससे कनेक्ट करता है। देखो ये है अपना यूटेरस। ठीक है, ये यूटेरस है, पीछे की तरफ अपना सैक्रम वर्टिब्रा है, ये यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स। ठीक, फिर कौन सा अपना, फिर अपना ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट क्या करता है, जो दोनों सर्विक्स है ना उन्हें आपस में कनेक्ट करता है। ये है अपने ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट जो दोनों सर्विक्स को कनेक्ट करता है। फिर अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस क्या है, जैसे कि ये अपना है कौन सा यूटेरस, यूटेरस लेटरली कर्व किया हुआ है ना, लेटरली फॉरवर्ड टिल्ट है, तो वो अपने राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस और अपने यूटेरोसैक्रल लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट है। इस वीडियो में अपन राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप से अपने ये लिगामेंट्स होता है। अब इन लिगामेंट्स को अपन जो ये दो टाइप लिगामेंट्स अपने ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस और राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, इन दोनों लिगामेंट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये बाकी के बारे में अपन बातें कर चुके हैं, इनको डायग्राम के थ्रू भी समझ चुके हैं। राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस का डायग्राम बनाया था, लेकिन पूरा डिटेल से इसका शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है अपनी BDC के अंदर। इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ब्रॉड लिगामेंट तो अच्छे से इसका अंदर शॉर्ट नोट्स आता है 4 या 5 मार्क्स का, तो इसे भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं ब्रॉड लिगामेंट के बारे में, उसके बाद देखेंगे अपने राउंड लिगामेंट के बारे में। तो देखते हैं, तो ये है अपना यूटेरस का डायग्राम। ठीक है, ये अपना यूटेरस है। यूटेरस में अपन बताया था ब्रॉड लिगामेंट के बारे में, ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है। तो देखो ये है अपना यूटेरस। ठीक है, यूटेरस में और इसके ऊपर ये नीचे ये अपना पेरिटोनियम की कवरिंग। ये पेरिटोनियम कवरिंग अपने यूटेरस के इस टाइप में होती है, ये आगे की तरफ ये एंटीरियर वॉल बना देती है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल बना देती है। तो ब्रॉड लिगामेंट के अंदर मेनली इतना ही है। और क्या इसके अंदर इसके कंटेंट हो रहे हैं ना, कि जो इसकी पोस्टीरियर लेयर और एंटीरियर लेयर के बीच में वही क्या क्या चीजें होंगी। तो इसमें यहाँ पे अपनी ओवरी होगी, तो ओवरी और यूटेरस को सप्लाई करने वाली आर्टेरिया होंगी, नर्व्स होंगी, लिम्फेटिक्स होंगी, वेसल्स होंगी। ठीक है, और इसमें कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, तो वो भी इसके कंटेंट के अंदर ही आ जाता है। तो वो सब इसके अंदर आते हैं अपने ब्रॉड लिगामेंट्स के बारे में। अभी एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं फिर देखते हैं। तो ये अपना यूटेरस है। ठीक है, यूटेरस में फंडस, बॉडी, नीचे सर्विक्स, ये सर्वाइकल कैनाल, ये अपने इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस, नीचे एक तरफ ये अपने वेजाइना के थ्रू कम्युनिकेट करता है, ऊपर में ये अपना फेलोपियन ट्यूब अपनी यूटेराइन ट्यूब के थ्रू कनेक्ट करता है। ये अपनी ओवरी है, ये अपना ओवरी लिगामेंट्स है। ठीक है, अब अपना जो ब्रॉड लिगामेंट होता है, ब्रॉड लिगामेंट इसके आगे पीछे दो लेयर्स बनाता है ना, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर्स।
तो इस टाइप में बनाता है, देखो कि ये 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 आगे की तरह एंटीरियर लेयर है ना, आगे की तरफ कौन सी एंटीरियर लेयर है, इसके पीछे की तरफ ये पोस्टीरियर लेयर, इस टाइप डॉट डॉट करके दिखा दी, ठीक है, पोस्टीरियर ऐसे ही अपना ये पूरे में होता है, पूरे को कवर कर रहा है ना, तो ऐसे एंटीरियर लेयर और ये पोस्टीरियर लेयर इस टाइप में, ठीक है, तो इस टाइप में ये कवरिंग्स वगैरह होती है इसमें, ये इस टाइप में, ये अपने इन्फेंडिबुलम है। इन्फेंडिबुलम के बाद में जो इस लिगामेंट से ना इसका नाम चेंज हो जाता है और इसे बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, इसके बाद से इस टाइम में, ठीक है, ये पूरी ऐसी लेयर ही होती है, एक सीधी लेयर होती है, छोड़ छोड़ के नहीं होती, पूरी लेयर सी होती है, इस टाइम कनेक्ट होती है, ठीक, ये क्यों नीचे की तरफ भी इस टाइम में होती है, ठीक है, ये इन्फेंडिबुलम के बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है और इसे बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ये अपना ब्रॉड लिगामेंट का ही पार्ट होता है, तो इसके अंदर अपने दो लेयर्स होती है, एक आगे की तरफ एंटीरियर वॉल, एक पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल। अब बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में, तो कंटेंट में इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसके अंदर जो अपने ये ओवरी है, इस ओवरी को सप्लाई करने के लिए आर्टरी आएंगी तो उसे बोलते हैं ओवेरियन आर्टरी, ठीक है, और एक अपना ये यूटेरस है, यूटेरस को सप्लाई करने के लिए भी अपनी आर्टरी आएंगी, ये अपनी ब्रॉड लिगामेंट है, ठीक है, तो ब्रॉड लिगामेंट ये आया है अपनी लेटरल बॉर्डर ऑफ यूटेरस, ये अपने लेटरल मार्जिन ऑफ यूटेरस यहाँ से लेके, और साइड में क्या होता है अपनी पेल्विक वॉल होती है, यहाँ पर अपनी पेल्विक वॉल होती है, नीचे की तरफ भी अपनी पेल्विक वॉल होती है, ठीक है, तो ये देखो ये ऊपर की तरफ सुपीरियर हो गया, ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर, ठीक, ये बीच में मीडियल हो गया, ये साइड में लेटरल हो गया, इधर भी लेटरल, ये ब्रॉड लिगामेंट इधर की साइड भी होता है, अपन ने सिर्फ एक तरफ ही ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, ये अपने यूटेरस से लेके और पेल्विक वॉल तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक है, इसमें दो लेयर्स होती है, आगे तरफ एंटीरियर, पीछे तरफ पोस्टीरियर। अब बात करते हैं इसके बॉर्डर्स के बारे में, तो इसमें चार बॉर्डर्स होते हैं, देखो एक तो ये ऊपर वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं अपर बॉर्डर, ठीक, अपर बॉर्डर पे क्या है कि जो अपना एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल आपस में कंटिन्यूस हुई रहती है अपर बॉर्डर पे, ठीक है, लोअर बॉर्डर पर क्या है, लोअर पे नीचे की तरफ अपनी ये पेल्विक वॉल होती है, तो नीचे की तरफ ये पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है, लेटरल की तरफ भी अपनी पेल्विक वॉल होती है, तो लेटरल की तरफ भी अपनी पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है, ये अपना लोअर बॉर्डर, ये अपना लेटरल बॉर्डर, ये अपनी मीडियल बॉर्डर, तो मीडियल बॉर्डर में ये क्या अपना, ये अपना लेटरल बॉर्डर ऑफ यूटेरस, ये अपना लेटरल मार्जिन ऑफ यूटेरस, ठीक है, इसका ये है, तो इधर की तरफ कौन सा बॉर्डर है, अपना मीडियल बॉर्डर है, तो इसमें चार बॉर्डर्स होता है। अब बात करते हैं इसके कंटेंट की, तो कंटेंट में इसके अंदर क्या कहेंगे, एक अपनी आती है इसके अंदर यूटेराइन, मतलब ओवरी को सप्लाई करने के लिए ओवेरियन आर्टरी और यूटेरस को सप्लाई करने के लिए यूटेराइन आर्टरी, तो यहाँ पे ये आ गई अपनी क्या, यूटेराइन आर्टरी, ठीक, ये अपनी यूटेराइन आर्टरी आ गई, ये यूटेराइन आर्टरी होती है ना, ये अपने यूटेरस को भी सप्लाई करती है और अपनी जो ओवरी है ना, इस ओवरी को भी सप्लाई करती है, ठीक है, इस टाइम में, फिर ऐसे ही इसके अंदर क्या आती है, ओवेरियन आर्टरी आती है, ये अपनी ओवेरियन आर्टरी होगी, ओवेरियन आर्टरी जो अपनी ओवरी को भी सप्लाई करती है और अपनी यूटेरस को भी सप्लाई करती है, ये अपनी ओवरी को सप्लाई करती है और इधर तरफ अपनी यूटेरस को सप्लाई करती है, ये अपनी ओवेरियन आर्टरी होगी, ठीक है, तो ये आर्टरी होगी इसके अंदर, और इसके अंदर अपनी नर्व्स भी होती है, एक अपनी जो ओवरी को सप्लाई करने के लिए इसमें ओवेरियन प्लेक्सस होता है नर्व्स का, और एक अपने ये यूटेरस और वेजाइना को सप्लाई करने के लिए कौन सा होता है, यूटेरो वेजाइनल प्लेक्सस, ये अपना यूरेटर हो गया, तो यूरेटर को पार करके यहाँ पे आती है अपनी, ये है अपनी यूटेराइन आर्टरी और ये अपनी वेजाइनल आर्टरी, ठीक, नीचे तो अपनी वेजाइना सप्लाई करेगी, ये अपनी यूटेराइन आर्टरी है, और इसमें लिम्फ नोड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, और इसके अंदर कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर इसने अपनी जो मेसेनचिफिक डक्ट होती है ना, उसकी कुछ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स वगैरह होती है, तो ये है अपनी मेसेनचिफिक डक्ट, ठीक है, ये मेसेनचिफिक डक्ट है, यहाँ पे अपनी गार्डनर स्ट्रक्ट हो गई, ठीक, ये क्या हो गया अपना पैरा ओफ्रॉन, जो अपने ओवरी के नीचे तरफ है, ये अपना पैरा ओफ्रॉन, और ये क्या हो गया अपना इपोफ्रॉन, जो अपने ओवरी के ऊपर की तरफ है, ठीक, तो ये हो गए इसके कंटेंट, इनकी नेमिंग करते हैं अपन, तो ये क्या है अपनी यूटेराइन आर्टरी, ये अपनी यूटेराइन आर्टरी है, यूटेराइन आर्टरी, ये अपना यूरेटर हो गया, यूरेटर,
ये अपनी वेजाइनल आर्टरी हो गई, ठीक है, और ये कौन सी हो गई अपनी ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी हो गई, और ये हो गया अपना सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, इसे इन्फेंडो इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट ही बोलते हैं, ये अपना इन्फेंडिबुलम है ना, तो इसे इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट ही बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होगी अपनी मेजर नेफ्रिक, ये अपनी गार्टनर्स डक्ट होगी, गार्टनर्स डक्ट, ठीक है। और ये हो गई अपने पैरा एफ्रॉन, और ये हो गई अपनी ईपो एफ्रॉन, ठीक है, पैरा एफ्रॉन, ठीक है, और ये अपने ईपो एफ्रॉन, तो इसके कंटेंट हो गए, कंटेंट के अंदर इसके एक डायग्राम और बनाया था अपने, देखो ये वाला जब अपने सपोर्ट ऑफ ईटस पढ़ा था तब अपने देखा था कि अपने ब्रॉड लिगामेंट इस टाइप में भी होता है, ये अपने डायग्राम वही है अपने ब्रॉड लिगामेंट का, ठीक है, इसको अपने लेटरली कट किया है, ये जैसे ये है ना, तो यहाँ पे ओवरी है, अपने इसे इस टाइप का सेजाइटल सेक्शन लिया है लेटरली के इधर की तरफ, ठीक है, लेटरली कट किया है ओवरी को इस टाइप में, तो इसमें जो अपना राउंड लिगामेंट ऑफ ईटस जो एंटीक तरफ आ रहा है ये भी कट होगा, अपनी यूटेराइन ट्यूब है ये भी कट होगी, और अपनी ओवरी है ये भी कट होगी, तो यहाँ से दिखाते हैं, ये है अपनी क्या, यहाँ पे अपना जो राउंड लिगामेंट होगा वो इसके एंटीरियर की तरफ ही आता है ना, तो यहाँ पे अपना सुप्रोलेटरल एंगल है, ये सुप्रोलेटरल एंगल है, तो यहाँ से कनेक्ट होता है अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, ठीक है, और इधर की तरफ अपनी कौन है यूटेराइन ट्यूब, अपनी फैलोपियन ट्यूब, नीचे की तरफ अपने ओवरी के लिगामेंट्स है या अपनी ओवरी है, ठीक है, तो ये अपनी लेटरली कट कर रहे हैं। अब उसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, तो देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, तो ये आगे की तरफ एंटीरियर, ठीक है, ऊपर की तरफ सुपीरियर, नीचे तरफ इन्फीरियर, और पीछे की तरफ पोस्टियर हो गई, अपन इसे लेटरली कट कर रहे हैं, वही सेजाइटल सेक्शन ले रहे हैं, तो आगे की तरफ अपनी क्या होगा राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, ये अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है अपना यहाँ पे अब होगा इस टाइप में होगा ना, आगे ऊपर इसमें इस डायग्राम के अंदर एंटीरियर की तरफ ऊपर की तरफ और पोस्टियर पीछे की तरफ है, ठीक है, इसमें एंटीरियर आगे की तरफ है, तो जब अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस था वो एंटीरियर की तरफ ही था ना, तो ये एंटीरियर में ये बना दिया, सुपीरियर ऊपर की तरफ क्या है अपना, ये क्या है यूटेराइन ट्यूब है ना, ये अपना यूटेराइन ट्यूब हो गई यहाँ पे, और इसके नीचे की तरफ यहाँ पे अपना ओवरी है ना, तो इसके नीचे की तरफ यहाँ पे अपनी ओवरी होगी, तो ये हो गई अपनी ओवरी। अब इन तीनों के ऊपर होता है अपना क्या ब्रॉड लिगामेंट्स, तो ब्रॉड लिगामेंट कैसे होगा देखो, ये अपना राउंड लिगामेंट ऑफ ईटस होता है ना, ये अपना ब्रॉड लिगामेंट के दोनों लेयर्स के बीच में होता है, ठीक है, इस टाइप में ये अपनी हो गई कौन सी यूटेराइन ट्यूब, ये अपनी हो गई ओवरी, ये अपने ओवरी के लिगामेंट से नीचे की तरफ आ गए और इस टाइप में आ गया, ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, ये क्या क्या बना रहा है ये दोनों, इसे बोलते हैं मेजर सेल्फ निक्स, इसे बोलते हैं मेजर ओवेरियम, और इसे बोलते हैं मेजर मेट्रियम, ठीक है, अपने ब्रॉड लिगामेंट्स के पार्ट होते हैं, तो ये क्या है अपना मेजर सेल्फ निक्स, ये है अपना मेजर मेजर ओवेरियम, और ये है अपना मेजर मेट्रियम, ये मेजर मेट्रियम, ठीक है, इसका सेजाइटल सेक्शन है अपने ब्रॉड लिगामेंट का सेजाइटल सेक्शन, ठीक, ये अपने पार्ट्स होते हैं यूटेरस के, तो पार्ट्स ऑफ यूटेरस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, पार्ट्स ऑफ यूटेरस मेजर सेल्फ निक्स, मेजर सेल्फ निक्स, मेजर मेट्रियम, मेट्रियम मेजर ओवेरियम, ओवेरियम, और एक अपने ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ये है ना सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, जिसे अपना इन्फेंडिब्लो पेल्विक लिगामेंट ही बोल रहे हैं, ये भी अपना इसका एक पार्ट होता है यूटेरस के, नहीं ये ब्रॉड लिगामेंट, सॉरी
रूट लिगामेंट के पार्ट हैं। एक अपना सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ठीक है। तो ये चारों होते हैं फिर ब्रॉड लिगामेंट्स के पार्ट, मीजो सेल्फ्रिक्स, मीजो मेट्रियम, मीजो ओवेरियम एंड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, जिसे अपन क्या बोलते हैं इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट ही बोलते हैं इसे। तो ये इसके पार्ट्स हो गए। अब अपने ये ब्रॉड लिगामेंट्स को अपने समझ लिया, अब इसे थ्योरेटिकली देखते हैं। तो अपना ब्रॉड लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, यूटेरस टू पेल्विक वॉल। ये अपने यूटेरस से ठीक है यहाँ से लेकर पेल्विक वॉल तक ये एक्सटेंड करता है। इसमें दो लेयर्स होती है, आगे की तरफ एंटीरियर लेयर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर लेयर, ठीक। टू लेयर्स होती है इसमें, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फोर बॉर्डर्स होते हैं इसके, अपर बॉर्डर, अपर बॉर्डर में क्या होती है कि जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर होती है ये कंटिन्यूस होती है, पेरिटोनियम भी है। एंटीरियर पोस्टीरियर लेयर ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम कंटिन्यूस है ना, अपन पेरिटोनियम की लेयर से तो कंटिन्यूस हो रही है ना। अच्छा, ब्रॉड लिगामेंट पेरिटोनियम के पार्ट होता है, और इसमें लोअर और लेटरल की तरफ क्या है पेल्विक वॉल है, नीचे की तरफ लेटरल की तरफ पेल्विक वॉल है ना। मीडियल की तरफ क्या है, अटैच टू लेटरल बॉर्डर ऑफ यूटेरस, लेटरल बॉर्डर बोले या अपना लेटरल मार्जिन ऑफ यूटेरस बोले। मीडियल की तरफ ये इससे कनेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके कंटेंट, तो कंटेंट में इसके अंदर ओवेरियन आर्टरी आ रही है जो अपनी ओवरी को सप्लाई कर रही है, और यूटेराइन आर्टरी है, तो ये तो इसकी ब्लड सप्लाई हो गई, ठीक। और अपने यूट्रो वेजाइनल प्लेक्स है जो अपना यूटेरस और वेजाइना को सप्लाई कर रहा है, और एक अपना ओवेरियन प्लेक्स है जो अपना ओवरी को सप्लाई कर रहा है, ये इसकी नर्व सप्लाई हो गई, तो ये इसके अंदर है। और एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है, गार्टनर स्ट्रक्ट है, ठीक, पैराओफरोन है, ईपोफरोन है, ये इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हो गई। और क्या इसमें लिम्फ नोड है एंड वेसल्स वगैरह है, तो ये इसके कंटेंट हो गए। कंटेंट के अंदर अपने ये जो ये है ना, ये क्या है अपना यूटेराइन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब, ये अपनी ओवरी, ठीक है, ये अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, तो ये तीनों भी इसकी कंटेंट होते हैं, यूटेराइन ट्यूब, ओवरी के लिगामेंट्स ऑफ वो, और अपने राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, ठीक है। ये इसके कंटेंट होते हैं, और नीचे वाले भी इसके कंटेंट है, ये इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड लिम्फ नोड एंड वेसल्स वगैरह, ये सब अपने ब्रॉड लिगामेंट की जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर है ना इसके बीच में ही होता है। तो ये हो गया अपना ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। अब इससे नेक्स्ट बात करेंगे अपन राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस के बारे में। इसी वीडियो में इसलिए नहीं बात कर रहे हैं, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस के बारे में। तो ब्रॉड लिगामेंट के बारे में बस इतना ही था, इसे एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो ब्रॉड लिगामेंट कुछ नहीं होता, ये अपने एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर होती है इसमें, ठीक है, पेरिटोनियम की, जो अपनी फैलोपियन ट्यूब को दोनों तरफ से कवर करता है, ठीक है। तो दो लेयर्स होती हैं। फिर अपने बात किया था इसके बॉर्डर्स के बारे में, ऊपर की तरफ अपना अपर बॉर्डर, नीचे की तरफ अपना लोअर, इधर मीडियल, इधर लेटर। अपने कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, यूटेरस से लेकर और पेल्विक वॉल तक ये एक्सटेंड करता है, या इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये अपने यूटेरस को पेल्विक वॉल से कनेक्ट करता है, कौन, ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। इसके बॉर्डर्स हो गए, फिर अपन इसके कंटेंट देखे थे, कंटेंट के अंदर इसके अंदर यूटेराइन आर्टरी जो अपने यूटेरस को सप्लाई कर रही है, ओवेरियन आर्टरी, ठीक है, जो अपने ओवरी को सप्लाई कर रही है। फिर इसमें नर्व के प्लेक्सेस थे, एक अपने यूट्रो वेजाइनल प्लेक्सेस जो अपने यूटेरस और वेजाइना को सप्लाई कर रहा था, ठीक है, और एक अपना ओवेरियन प्लेक्सेस, ठीक। इसमें लिम्फ नोड, वेसल्स वगैरह होते हैं। फिर इसमें अपनी ये कौन सी एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसके वेस्टिजियल होते हैं अपने मीजोराफिक डक्ट के, तो पैराओफ्रोन, हिपोफ्रोन और गार्टनर स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है। और इसमें कंटेंट के अंदर ये अपने यूटेराइन ट्यूब, अपने ओवेरियन लिगामेंट्स और अपने राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, ये भी इसके लिगामेंट्स होते हैं। तो ब्रॉड लिगामेंट के बारे में बस इतना ही है, ठीक है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू।